9 सेकंड न्यूज में बात अनंत और राधिका की शाही शादी से जुड़ी खबरों। अनंत राधिका की शादी के बाद आज रिसेप्शन का दूसरा दिन है। मंगल उत्सव में शिरकत करेंगे देश के दिग्गज। जियो वर्ल्ड सेंटर में ग्रैंड रिसेप्शन, शुक्रवार को हुई थी शादी। अनंत राधिका के वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुए देश विदेश के कई दिग्गज। प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने नवविवाहित अनंत राधिका को दिया आशीर्वाद। शाही शादी में शामिल होने पर पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तंज किया। एक्स पर लिखा, स्वघोषित देवत अब शादी में है। शादी इतने चरणों से गुजरी कि लगता है कि चुनाव आयोग ने तय किया शादी का कार्यक्रम। शाही रिसेप्शन में द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी शामिल हुए। अंबानी परिवार ने सत्कार और स्वागत किया। शादी में उपस्थित संतों ने अनंत राधिका को आशीर्वाद भी दिया। अंबानी परिवार ने स्वागत किया। अमिताभ बच्चन से भी मिले संत। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी नजर आए। अंबानी परिवार के ग्रैंड फंक्शन का हिस्सा बने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड के कलाकार। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत के साथ सदी के महानायक अमिताभ की भेंट हुई। दोनों गर्मजोशी से मिले। अनंत राधिका की शादी की रस्मों से जुड़ी तस्वीरें आई सामने। जयमाला के दौरान दोस्तों ने अनंत को ऊपर उठाया। अनंत ने राधिका को गले लगाया। जयमाला पहनाकर राधिका के साथ डांस भी किया। अंबानी फैमिली के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में देश और दुनिया के दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की। अनंत राधिका को आशीर्वाद दिया। जियो कन्वेंशन सेंटर में आई मेहमानों की तस्वीर। अनंत राधिका की शादी में कर्दाशिया सिस्टर का ग्लैमरस अवतार दिखाई दिया। भारतीय परिधान में बिखेरा जलवा। शाही शादी में सात समंदर पार से विदेशी मेहमानों ने जबरदस्त एंट्री दी। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में देश और राज्यों के कोने कोने की खबरें आपको दिखाते हैं। अमृतसर से हावड़ा जा रही ट्रेन के डिब्बे में आग लगी। जानकारी मिलते ही ट्रेन ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। समय रहते आग को फैलने से रोका। अमृतसर के जौड़ा फाटक के पास की घटना। आग लगने की जानकारी मिलते ही अमृतसर हावड़ा ट्रेन के यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बना। कुछ यात्रियों ने बचने के लिए छलांग लगा दी। कई यात्रियों को चोट लगी। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल को केंद्र से मिली अधिक शक्तियां। ट्रांसफर पोस्टिंग समेत अहम फैसलों में एलजी की सुपर पावर। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने उठाए हैं सवाल। 46 साल के बाद आज पुरी में खुल सकता है जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। 12वीं सदी के इस मंदिर में पिछली बार 1978 में खोला गया था खजाना। हाई लेवल समिति ने फिर से खोलने की सिफारिश की। छत्रपति शिवाजी के कथित वाक नख को लेकर गरमाई सियासत। इतिहासकार का दावा, लंदन से आ रहा पंजे के आकार वाला हथियार असली नहीं। मंत्री सुधीर बोले, किसी ने ऐसा नहीं कहा। सुरक्षित वतन वापसी को लेकर युगांडा में फंसे दो भारतीयों ने अपनी बात रखी। वापस लौटे मृत्युंजय कुमार ने बताया, घर जाने के लिए मांग रहे थे 5 लाख रुपए। बॉयलर में फेंकने की धमकी भी दी जा रही थी। रांची में 3 दिन से चल रही आरएसएस की प्रांत प्रचारक बैठक आज खत्म हो रही है। मौजूदा चुनौतियों पर हो रहा मंथन। मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले समेत कई लोग शामिल। लैब में तैयार हीरो से सूरत के हीरा व्यापारी ने तैयार करवाई पीएम मोदी की छवि। दो बार फेल होने के बाद 25 कारीगरों ने तैयार किया। पीएम मोदी को गिफ्ट की जाएगी इको फ्रेंडली हीरे से बनी तस्वीर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।